अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। आज हम डेफिनेशंस कुछ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दुआ पढ़े आउस बिल अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए जी बेटा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट पॉलीनोमियल रेशियो। सिंपलेस्ट पॉलीनोमियल रेशियो बिटवीन एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है कि एटम्स में जो सादा त्रयीन निस्बत है उसको कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब यहां पर देखिए, हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इससे सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हो सकता। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, अगले ही लंबे नीचे जाकर इसका नाम बताएंगे आपको, जैसा कि ये है, इससे सिंपल इसकी रेशियो नहीं हो सकती। अगर हम आगे बढ़े इसको हम इंपीरिकल फार्मूला से बारीकी फार्मूला कहते हैं, तो यहां पे क्या है, ये क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, आपने हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड द ग्राम एटम्स, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, वो आईडेंटिफाई करेंगे। चलो ग्राम एटम्स आपके फाइंड करने,
सारे के सबके सबके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, जब ग्राफ एटम फाइंड कर रहे होंगे तो इनमें से कोई वैल्यू सबसे छोटी आ सकती है। जाहिर है कि तीन चार जितने भी ग्राफ एटम हम उनके ग्राफ एटम फाइंड करेंगे तो कोई वैल्यू बड़ी या कोई छोटी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके साथ सबको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक रेशियो आएगा। अगर तो वो होल नंबर्स में आ रहे जैसे कि आपके पास वन टू वन आई तो फिर वही आपका आंसर है। अगर होल नंबर में नहीं आई चौथे पॉइंट में फिर हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई या सूटेबल सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो डेसिमल में ना हो। तो ये बेटा आपके पास है चार स्टेप थे पीक ऑफ अपना फाइंड करने के लिए। सबसे पहले पर्सनल कंपोजिशन फाइंड करें, फिर ग्राफ एटम, फिर उसकी टॉपिक रेशियो। अगर वो आपके पास होल नंबर्स में आ रहे हैं तो देन आपने एड्स योर आंसर, नहीं तो आपने उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो उसको आपने होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर, मोल किसे कहते हैं। हमने कहा जो मोल है ना मोल, उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप पढ़ के आए नाइन्थ में, उसे यूज करेंगे हम। क्या इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की क्या है अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कह रहे ये सब्सटेंस की अमाउंट है दैट कंटेन, जिसमें जो क्या कंटेन किए हुए हैं that contains 6.02 10.23 particles. और ये particles क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, 1 2 3 4 चार तरह के particles होते हैं। एक particle हो सकता है atoms, particle हो सकते हैं molecules, particles हो सकते हैं ions, पार्टिकल हो सकते हैं फॉर्मूला यूनिट्स। कह रहे हैं ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कंटेन किए हुए है 6.023 पार्टिकल्स। इसी क्योंकि ये अवोकाडो ने अपनी डेफिनेशन दी थी तो इसको अगर आप दूसरे एंगल में ले लें तो यकीन करें बड़ी आसान आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप कहेंगे अवोकाडो नंबर क्या है, अवोकाडो नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 पार्टिकल्स। यहां पे कहेंगे इट इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ 6.02 10.23 पार्टिकल्स। इस पे आपने उसी तरह आपने यहां पे लिखना पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये इस तरह के। तो ये दोनों को मिला के जब प्रोड्यूस करवाते हैं यकीन इतना बड़ा सवाल आता है हमारे लिए इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, दोनों कैपिटल है लेकिन ए एज ए सबस्क्रिप्ट यूज होता है नीचे इसको लिखा जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मोल की कैटेगरीज में चार और डेफिनेशन आती है जिसमें हम ग्राम एटम डिस्कस करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आई, ग्राम फार्मूला यूनिट। अब ग्राम एटम किसे कहते हैं, हमने कहा अगर किसी एक एलिमेंट के मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो क्या कहलाता है, इफ द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटम। तो देखिए यहां पर ये बराबर किसके होगा, मास ऑफ एन एलिमेंट और एटॉमिक मास, दैट इज नोन एज ग्राम एटम। ठीक है, अब ये देखिए बड़ी आसान सी सिचुएशन है, इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें तो ये चलेगा। आसान चीज है मास ऑफ किसी चीज का मास ले रहा है तो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दे तो वो उसका नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम वगैरह आ जाते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए मोलर मासेस
क्या क्या हो सकता है एक एटॉमिक मास? मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, फॉर्मूला, फॉर्मूला मास। एक मोलर मास शॉर्ट मास हो सकता है। किसी भी तरह के एटम, किसी भी तरह की स्पीशीज के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करें तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ग्राम है, ग्राम आ जाते हैं। वो ग्राम एटम हो सकते हैं, वो ग्राम आयन हो सकते हैं, वो ग्राम फॉर्मूला मास हो सकता है, वो ग्राम मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो इस तरह से उसकी प्रेडिक्शन आ सकती है। मैंने कहा अगर इफ एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट का स्पेसिफिक ग्राम इज नोन एज ग्राम एटम, या तो इफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल। अगर एक आयनिक स्पीशीज के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो दैट इज नोन एज ग्राम आयन। इफ फॉर्मूला यूनिट है आपके पास, एक आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो दैट इज नोन एज ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला क्या है? तो ये आपके पास ग्राम फॉर्मूला यूनिट की जगह फॉर्मूला मास की तरह है। अब देखिए ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी जो कि एक और डेफिनेशन हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इंपीरियल फॉर्मूला पर डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस किया, उनका आपस में रिलेशन हमने डिस्कस किया डिटेल से। इंपीरियल फॉर्मूला कैसे डिटरमिन करते हैं उस पर हम बात करेंगे कि ये न्यूमेरिकल का हिस्सा है, चार उसके स्टेप होते हैं। फिर हमने मोल को डिफाइन किया सिंपलेस्ट वे से। फिर हमने कहा कि मोल के रिस्पेक्टिवली हमने डिस्कस किया अवार्डस को, जिनके अगर पार्टिकल इतने हो जाए तो अवार्ड, इतने पार्टिकल का जो मास होता है वो एक मोल कहलाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला यूनिट, ये हम कुछ चीजें डिसाइड की। अब लास्ट में एक डेफिनेशन है जिसको हम कॉल करते हैं, वो हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट डेफिनेशन होगी वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यहां पर क्या कहता है, किसकी बात कर रहा है? वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर इसका मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, वो क्या होता है कितना है, 22.414 क्यूब मास। एक मोल आइडियल, आइडियल गैस क्या होती है? सिंपल आपको बता दूं, आइडियल गैस होती है ऐसी गैस जो सब तरह के लॉस को फॉलो करे, ऐसी गैस जो सारे गैस लॉस को ओबे करे दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। आइडियल कोई भी गैस आइडियल गैस है, वन मोल अगर उसका वॉल्यूम है, वन मोल ऑफ आइडियल गैस अगर हो एसटीपी पर जो उसका वॉल्यूम होता है वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम, और वो होता है 22.414 क्यूब मास। इसका मास है सर, लीजिए जैसा कि देखिए वन मोल OH2 और H2O, वन मोल CH4 हो, देखिए इसका मास कितना आ रहा है 2 ग्राम, इसका मास कितना आ रहा है 16 ग्राम, दोनों का मास डिफरेंट है। देखिए मोल एक है, इसका वॉल्यूम कितना है 22.414 क्यूब मास लीटर, और इसका भी 22.414 क्यूब मास लीटर। ये थी बेटा आज इस चैप्टर लेक्चर में हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, तो काफी सारे डेफिनेशन डिस्कस की है। तो बाकी इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आर्टिकल में भी जरूरत पड़ेगी, मोलर वॉल्यूम वाले आर्टिकल में उसमें लिखी हुई है कि जो एक पार्टिकल है ना, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये उसका डायमीटर। गैस का एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे
मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर का 300 टाइम्स दूर होता है, यानी कि ये देखिए ये उसका डायमीटर में 1, 2, 3, 4 से बड़ी दूर होता है। तो अब एक गैस का एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से 300 गुना दूर होता है, 300 गुना अपने डायमीटर के फासले पर होता है। तो ये एक उसमें टर्मिनोलॉजी थी जो हमसे जो आ सकता था वो मैंने आपको बता दी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।